हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के थ्रू जो कि RCI दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया के थ्रू इशू करा गया हुआ है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके, प्लस जो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती है। तो मेरा नाम है कैफिन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, RCI के थ्रू यहां पर सबसे पहले आई होप आपको पता होगा, जो भी बच्चे साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से है आपने RCI का जो नाम है वो हमेशा सुना ही होगा, राइट। RCI इज द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए, इन्होंने यहां पर क्या नोटिफिकेशन इशू करा है। इन्होंने कहा है कि हम एक कोर्स को इशू कर रहे हैं BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑनर्स में। कब से इशू होगा ये? जून 2024 से ये एप्लीकेबल होने लग जाएगा। टाइटल में इन्होंने, यानी कि जो कोर्स का नाम है वो क्या है, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजिकल ऑनर्स। अब क्या क्या इन्होंने बता रखा है, देखिए इन्होंने बता रखा है कि जो मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में अराउंड 75-85% तक रहते हैं, और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 83% है। कब? जब ये 2016 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, तो यानी कि 2016 से अब 2023 चल रहा है, तो और ज्यादा इंक्रीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने यहां पर बता रखा है, देखिए 0.3% साइकेट्रिस्ट हैं और 0.07% आपके क्या हैं, बिल्कुल आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं 1,00,000 पॉपुलेशन पे। तो यानी कि बहुत बहुत ज्यादा 1% भी अगर आप देखोगे, ना ही साइकेट्रिस्ट है ना ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो बहुत ज्यादा ये क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अब इन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस कोर्स को क्या करा है, एप्लीकेबल करा है BSc क्लिनिकल साइकोलॉजिकल ऑनर्स में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने NEP के में बता रखा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुई उसके थ्रू जो 3 साल के जो आपके बैचलर्स कोर्स थे उनको 4 साल में कन्वर्टेड कर दिया गया था, और इस बैचलर्स कोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया है, प्रोफेशनल कोर्सेज का उन्होंने यहाँ पर नाम दिया है। अब और देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या उन्होंने बताया। देखिए, RCI के बारे में बता रखा है कि ये क्या है, द काउंसलिंग इन फेडरेशन विद द नीति आयोग। जो RCI है उसने नीति आयोग के साथ मिलकर एक स्टेप लिया है, किस चीज के लिए, टू ऑफर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। कि आप वो बच्चे जो साइकोलॉजी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, जो काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनके साथ क्या करना होगा, आपको इस कोर्स को करना होगा उन बच्चों को। ये कोर्स कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अंडर ग्रेजुएट से ये कोर्स को स्टार्ट यानी कि कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बता रखा है कि 2024-25 ये 4 साल का कोर्स होगा जिसका नाम होगा आपका BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑनर्स, और इसमें यहां पर ये NHQ QF 6 लेवल का होगा। इसको करने के बाद आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस कोर्स को कर लोगे तभी आप काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कहलाओगे। जब आप इस कोर्स के बाद फर्दर रिसर्च करते हैं, यानी कि आप MSc करोगे या PhD करोगे, तो आप जाके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाओगे। अभी के टाइम में क्या है कि कोई भी बच्चा नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से है वो इग्नू से आपकी मास्टर्स करता है और अपने आप को काउंसलर कह देता है, जबकि चाहे उसे काउंसलिंग आती हो या ना आती हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपकी RCI है उसने क्या कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट आपकी काउंसलिंग कर रहा है तो उसके पास 4 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोर्स का क्या नाम है, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजिकल ऑनर्स। ग्रेजुएट देखिए यहाँ पर साफ लिख रखा है, मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, ग्रेजुएट फ्रॉम दिस प्रोग्राम फंक्शन एज रजिस्टर। और ये जब आप इस प्रोग्राम को कर लोगे तो आप रजिस्टर प्रोफेशनल विद द CRR के थ्रू आप क्या हो जाओगे, रजिस्टर हो जाओगे, और वही जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ वही क्या कर पाएंगे, आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे। जो बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करने जाते हैं, दोस कैंडिडेट आर एलिजिबल टू परस्यू हायर लेवल ऑफ ट्रेनिंग इन क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी MA या फिर PsychD टू फंक्शन एज ए फुल फ्लेज क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको क्लिनिकल में और आगे बढ़ना है, फुल टाइम एज ए प्रोफेशनल चूज करना है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मास्टर्स करनी पड़ेगी या फिर PsychD करनी पड़ेगी। बट इन शॉर्ट, जैसे कि अगर हम बात करें, मेनली अगर आप देख लोगे तो हर कोई काउंसलर बन जा रहा है, इंस्टाग्राम पे इतने इन्फ्लुएंसर हो जा रहे हैं कि वो दूसरों की काउंसलिंग करे जा रहे हैं,
इवन तो दे हैज द एंगर इशू, उनको खुद एंगर इशू है लेकिन वो दूसरों की काउंसलिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आरसीआई ने क्या करा है, इस कोर्स को क्या करा है, डेवलप करा है। और देख लेते हैं, यही आपका सारा कुछ इस पीडीएफ में लिख रखा है कि आपको कहाँ कहाँ किसके साथ काम करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी बता रखा है कि इसमें आपका प्रैक्टिकल बेसिस ज्यादा होगा 60% होगा, और थ्योरेटिकल बेसिस जो होगा वो 40% होगा। देखिये यहाँ पर भी इन्होंने फोर्थ पॉइंट में लिख रखा है, ग्रेजुएट ऑफ द प्रोग्राम विल हैव रिसीव एडुकेटेड स्किल ट्रेनिंग टू अनेबल देम टू बिकम रजिस्टर्ड प्रोफेशनल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट इन द मेंटल हेल्थ एरिया, राइट। ये सारी प्रोग्राम्स की डिटेल है, आप इसे जाके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं टीचर और स्टूडेंट रेशियो को भी उन्होंने कंसिडर करा है कि 5 बच्चों पे 1 टीचर होगा, अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे 10 बच्चों पर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर होगा और 15 बच्चों पर 1 एसोसिएटेड प्रोफेसर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये रेशियो दिया है, हालांकि ये रेशियो ऐसा होता नहीं है बहुत ज्यादा बच्चों पर, अगर आपको भी पता होगा कि डेफिनेटली ये रेशियो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये सारी चीज है, और इन्होंने लास्ट में ये भी लिख रखा है कि ये किसके, देखिए यहाँ पर लिख रखा है बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजिकल ऑनर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरसीआई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरसीआई के लिए, इसलिए इस प्रोग्राम को कोई भी रन नहीं करेगा अनदर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अंटिल अनलेस उसे अप्रूवल ना मिले फ्रॉम द आरसीआई। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये इस चीज को रोक लगाएगा। अगर आप देखोगे जो आज ऐसे ही आपके साइकोलॉजिस्ट या फिर अपने आप को काउंसलर कहते हैं उन सारी चीजों पर ये रोक लगाएगा, काफी अच्छी पहल है। तो जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं वो इस चीज को जरूर देखें। एक और वीडियो हम लाएंगे आपके लिए, उन बच्चों के लिए जिनका नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है या फिर जिन्होंने मास्टर्स कर ली है, अब उनको क्या करें, क्योंकि अब आरसीआई इस चीज को इंप्लीमेंट करता जा रहा है और जो नॉन साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है उनको क्या करता जा रहा है, हटाता जा रहा है। तो वो वीडियो भी हम लाएंगे, उसका भी आप वेट करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गार्डिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैप्टन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल।